देख सकते हैं आप इस समय पूरा भक्ति का माहौल है यहाँ पर, सब नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। 22 जनवरी के लिए क्या कहेंगे, 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। राजमान रामलला विराजमान नहीं, प्रकट हो रहे हैं। विराजमान तो थे, हैं और रहेंगे। जय श्री राम, वर्ष के आप। मैं काशी से हनुमान बाबा ये बोलना चाहता हूँ, जो भगत रामलला की शोभा यात्रा में आए हैं उनके पापों धुल गए और उनके भाग उदय हो गए हैं। तो मैं विपक्ष से बैठे हुए नेता लोगों को बोलता हूँ, भाइयों जागो, अभी भी सवेरा होने वाला है। सो हम लोग, मोदी जी की कोई शादी नहीं है जो निमंत्रण देंगे। हम लोगों का धर्म है सनातन, सनातन धर्म में हिंदुओं को बढ़ चढ़ के आना चाहिए। तो जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं बताइए, जय श्री राम, जय श्री राम। उम्र नहीं बताई आपने, कितनी उम्र हो गई आपकी? 66 66 वर्ष के, 66 वर्ष उम्र हो गया, लेकिन जोश और ऊर्जा एकदम पूरी, एकदम बनी हुई है। तो भैया राम राम न चले हनुमान के बिना, राम न चले, अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, दुनिया मिले न श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। माहौल भक्ति में हो चुका है, पूरा माहौल भक्ति में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा माहौल भक्ति में हो चुका है, सब जगह श्री राम, जय राम। और साधु संत भी आए, किन्नर भी आए हैं हमारे हमारे दुआएं लेने के लिए। हम बंबई से आए और हमारे अखाड़े के भी लोग आए हैं। अखाड़े से हम लोग, जूना अखाड़े से मैं नहीं हूँ, मेरे हमारे बड़े बड़े लोग आए, सब आए और यहाँ पर मैं भी आई हूँ सराय नदी के यहाँ, सबके लिए दुआएं मांगनी, जजमानों के अच्छे रहे दिन, अच्छे बच्चे हो और साधु संतों की जय हो। और हमारे जय श्री राम, जय श्री राम। को कौन सा डांस दिखाएंगे? पूरा 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 माहौल भक्ति में हो चुका है। माहौल भक्ति में हो चुका है इस समय। जी जी, हमारे पत्रकार भाई जो न्यूज चैनल चला रहे उनका जोर से चैनल चलता रहे और हमारे भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव, हर हर सनातन धर्म के लिए जो मोदी सरकार, जो योगी सरकार ने जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान बनकर आए हैं, वैसा विश्वास हमको है कि विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर सर हम लोग एक नंबर में आएंगे हर तरह से। इसलिए मोदी और योगी को लाख लाख करोड़ों करोड़ नमस्कार भारतवासियों के लिए। आपको मोदी साहब को, योगी जी को, सनातन धर्म के लिए, साधु संतों के लिए, राम लखन की जोड़ी सदा ही सलामत रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण जन्ना सजाऊंगी, दीप जलाते दिवाली मनाऊंगी। जय श्री राम, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। जय श्री राम, रामायण जन्ना सजाऊंगी, दीप जलाते वैसा दिवाली मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी ते लाल सारे भाग जाएंगे, राम आएंगे। तो देखिए 7 साल के हैं लेकिन जोश है पूरा। आपका क्या नाम है? अभी तिवारी। कितने साल के हो? 8 ईयर। 8 साल के हो आप? Yes. आप क्या सुनाना चाहते हो राम जी के लिए?
राम गाना जी सुनाइए ना, सुनाइए। राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, दीप जला के दीपावली मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के सारे भाग्य मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। अभी आपने बोला जय श्री राम बहुत जोर से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए सब जगह ये माहौल है। बताओ कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम अर्पना कुमारी है, मैं चेन्नई से आई हूँ। चेन्नई से आए हो, कितने साल के हो आप? मैं 9 साल की हूँ। इधर छुट्टी लेके आए हैं थोड़ा घूमे, और मुझे बहुत मजा आया, और मैं इधर बहुत खुशी हूँ, और ये पार्टी बर्थडे पार्टी से भी बहुत बेहतर है। थैंक यू। ये पार्टी बर्थडे पार्टी से भी बहुत बेहतर है। जी जी, आपका क्या नाम? कहाँ के रहने वाले? हम यही नवाबगंज के रहने वाले हैं। नवाबगंज के रहने वाले हैं, तो अयोध्या नवाबगंज साथ ही जी देखने आए हैं यहाँ पे। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे देख के, यहाँ की सजावट माननीय मोदी जी की, यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। गर्व होता है फील यहाँ के रहने वाले? बहुत खुशी है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, और इस दिन का हमें बहुत इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था। योगी जी के बारे में क्या कहना? योगी जी बहुत अच्छे अच्छे सीएम हैं, और आगे हैं और आगे भी रहेंगे। आपका क्या नाम है? सुनीता तिवारी। आप कहाँ के रहने वाले? यही नवाबगंज की। नवाबगंज तो साथ में ही है ना? साथ में। पूरा है तैयारी? तैयारी बहुत जोर तोर से है। जय श्री राम। हमारी सबकी बहुत सौभाग्य है, जो इस दिन का इंतजार था वो सपना पूरा हुआ, और हम सब बहुत गर्व फील कर रहे हैं अयोध्या में, और अयोध्या राममय है, और बहुत अच्छा लग रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में इस समय हम मौजूद हैं। आज 19 जनवरी है, जो आखिरी समय यहाँ पर 22 जनवरी से पहले यहाँ पर भक्तों के लिए परिसर को खोला गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पहुँचे, और साज सज्जा की जो यहाँ पर तैयारी है उसको अंतिम स्वरूप जो है वो इस समय दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ही जो है वो परिसर की शुरुआत होती है, यही जो है एंट्री गेट है, और लोग जो है वो अभी अंतिम समय यहाँ दर्शन करने के लिए जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसके बाद जो गर्भगृह बनाई गई है वहां पर जो भक्तजन है वो आकर के दर्शन कर पाएंगे। सीधे तौर पर 23 जनवरी सुबह से जो है वो यहाँ पर आम भक्तों के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा, और अभी जो है यहाँ पर आज 19 जनवरी, क्योंकि आज ही का समय दिया गया था आखिरी जब यहाँ पर भक्त आ सकते थे राम मंदिर परिसर में, क्योंकि 20 और 21 जनवरी और साथ ही साथ 22 जनवरी जिस दिन यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उस दिन के लिए जो है यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से जो है यहाँ पर इस परिसर को जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। और सीधे तौर पर आप इस समय देख सकते हैं यहाँ अभी सजावट जो है उसको अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। देश विदेश से फूल जो है वो यहाँ पर जैसे हमने आपको पहले रिपोर्ट में दिखाया, देश विदेश से फूल जो यहाँ पर आकर के लगाए गए, और उनको इस समय जो है पूरे परिसर को इस समय जो है वो यहाँ पर सजाया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं सुग्रीव किला है उसके आगे, और कुछ दिन पहले जो लोग यहाँ पर आए होंगे उनको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब जो है कितना ज़्यादा बदलाव पिछले 10 दिनों के अंदर जो है वो यहाँ पर हो चुका है। और देख सकते हैं आप अभी लोग जो है यहाँ पर ये दर्शन करके जो है बाहर आ रहे हैं, और पूरा रास्ता जो है उसको सजा दिया गया। अब केवल जो है 2 दिन का समय बाकी है जब रामलला विराजमान होंगे 496 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, और उसके बाद 23 जनवरी सुबह से जो है यहाँ पर राम भक्तों के लिए दर्शन जो है वो यहाँ पर खुल जाएंगे। इस समय आप देख सकते हैं पूरा अंतिम स्वरूप जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है, और देख सकते हैं यहाँ ये पूरा पैसेज जो बनाया गया, कॉरिडोर जो यहाँ बनाया गया है, बड़े बड़े शेड जो हैं उनका निर्माण यहाँ किया गया है। पूरा इस समय अयोध्या में माहौल जो है वो यहाँ पर भक्तिमय हो चुका है। देख सकते हैं हर जगह जय सिया राम जय श्री राम के नारों से इस समय अयोध्या जो है वो यहाँ पर गूंज उठी है, और देख सकते हैं इस समय पूरा माहौल यहाँ पर दर्शन करके जो लोग बाहर आ रहे हैं इस समय। और अब जो है सीधे, क्योंकि ये आम लोगों के लिए जो है अब 23 जनवरी को इसके बाद जो है मंदिर को खोला जाएगा, जब जाकर के भक्त जो है वो दर्शन कर सकते हैं राम भक्त जो पहुँचेंगे अब पूरी दुनिया से, और 23 जनवरी से ही जो है यहाँ पर बड़ा एक आपको जो है हुजूम दिखेगा यहाँ पर राम भक्तों का। और अब आप इस समय देख सकते हैं ये लोग जो है दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। आज आखिरी दिन था जब आम लोगों के लिए जो है मंदिर परिसर को खोला गया। अब जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत 20, 21 और 22 जनवरी को यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं इस समय आप माहौल यहाँ पर जय श्री राम के नारे हर जगह जो है, जय सिया राम के नारे हर जगह जो है वो आपको
देख सकते हैं इस समय यहाँ पर पूरा माहौल अयोध्या से ही जो है यहाँ पर पूरी शक्ति का संचार जो है वो पूरे विश्व में होगा 22 जनवरी को जब रामलला विराजमान होंगे 496 वर्षों के बाद। और ये इस समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं आप तैयारियों को पूरा अंतिम स्वरूप जो है वो यहाँ पर अभी दिया जा रहा है और पूरा कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में इस समय भक्ति में डूबे हुए श्री राम जी की भक्ति में डूबे हुए सीधे तौर पर। देख सकते हैं आप इस समय झूमते हुए श्री राम जी की भक्ति में इस समय